अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और आज के बहुत से काम हैं और बाहर के ज़्यादातर बाहर के काम हैं और नानों की तरफ भी जाना है और मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया, मुझे पैदल जाना पड़ेगा लेने के लिए। तो फिर क्या उसका नाम बाद में आपसे मिलते हैं। यार इस गाड़ी ने ना मुझे एक घंटे से स्लीप कर दिया, इसके बाद फेफड़ा में पानी आ गया। अच्छा, मैंने पेट्रोल निकाला सारा, ऊपर से निकला फिर कुछ सारा इसके अंदर से पानी, फिर मैंने ताज़ा पेट्रोल डाला। क्या करवाते इसको बाहर जाकर। यार इस भाई ने इतना तंग किया यार, ऊपर से बाहर से दुकान ही बंद है और मुझे लग रहा है मुझे खुद ही सही करनी पड़ी, क्योंकि मुझे लग रहा है टैंक में पानी आया, बारिशों का पानी वाला इसके अंदर पड़ा है काफी। मैंने कहा इसको खुद ही खोल के ना, तो खुद ही दिखाता हूँ जो मैं पेट्रोल इसके अंदर, ये देखें ये नीचे बैठा है, अब नजर तो आ नहीं रहा। ये नीचे वाला जो इसके अंदर इतना क्या खास फील नहीं हो रहा, जो उसके अंदर टैंकी में पानी। अंदर से पानी बड़ा निकला, क्योंकि मुझे पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर नजर आया है। मेरी भी गलती, मैंने उसको देखा ही नहीं। हालांकि 3-4 दिन पहले इसने मुझे तंग किया है, लेकिन मैं इग्नोर कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। लो ये निकला है पानी, मुझे लग रहा है इसके फेफड़ों में है पानी, इसलिए तो इसके अंदर चारी के सांस ना खराब हो रही है। और इसके ना इसके अंदर ना डाले और पेट्रोल, और देखे सारा गंद जा रहा है नीचे। चलो जितनी देर साफ होता है। तो देख क्या हॉल क्या है, कैसे हम से सही होनी तो नहीं थी, उम्मीद है कि आज करके सेट हो जाएगी। ये क्या है, आगे पीछे जब छुट्टी होती है तब नमाज नहीं पढ़नी, आज पता नहीं कोई नमाज कहाँ से आ रहा है। ये देखें, चलिए अच्छी बात है, पढ़नी भी चाहिए, मना तो शुक्र है ये भी नमाज पढ़ रहा है। वैसे काम 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 24 घंटे लगा रहता है ये काम का, अल्लाह का नाम भी थोड़ा लेना चाहिए। बाकी मम्मी गाड़ी देखें कहाँ तक पहुंची है, कितना कराया गया है। नीचे मैं ऊपर से ऐसा पेट्रोल डाल लेता हूँ, नीचे का छोड़ देता हूँ।
आपको यही कहूंगा, कभी भी ना एजेंसी से पेट्रोल ना डलवा। ये देखें, ये मुझे 300 का लीटर, एक लीटर ही पड़ा। और ये मम्मी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बैठ गए हैं पढ़ने, दूसरी पढ़ने बैठ गए। अब हम भी पढ़ेंगे साथ बैठ के। नानो की तरफ जाने गया और सारा दिन के उधर के काम थे हमें ज़्यादा, लेकिन दो तीन काम थे वहाँ गए ही नहीं, तो इसलिए ना रात का खाना खाते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी हम खाते हैं खाना और खाने में है चना पुलाव। चलें पहले खाना खा लें, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं। गाइस मैंने तो आपको कुछ बताया नहीं यार, एक चीज घर में खीर पक रही है। बात तो सही है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, सुबह का करेंगे नाश्ता। अभी मैं आपको दिखाती हूँ खीर बन रही है। ये बन रही है खीर, यही अब हमारा होगा सुबह का नाश्ता। इंशाल्लाह इसका होगा सुबह नाश्ता और इसकी पापा भी आ गए हैं बहुत जल्दी। किसको पैसे देने? क्या देने? मैंने से एक चीज देने। क्या ये है इसके लिए? ये क्या है छुपा के जो ले जा रहे हो? स्मेल बड़ी आती है बेटा आपसे, आपसे बहुत ज्यादा काम की नहीं, आपसे बहुत ज्यादा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेहनत की स्मेल आती है। अब आपने इसके पैसे देने हैं, जितनी मर्जी लगा दो, स्मेल ऐसे फिर भी आनी है। नहीं आएगी, अब नहीं आएगी बेटा, बड़ी हार्ड है ये हाइजीन। क्या बना रही हो? दही बना रही हो या सुबह के लिए? अपने लिए बस। सारे काम घर के होममेड, बस अपने लिए। ये क्या जाग? दही सुबह तक जाग जाएगा ना, है ना? चलो इसको क्या करना है, इसी में कवर कर देना है। कवर करके बस कहाँ पे रखना है फिर? गर्म जगह। गर्म जगह कौन सी? ओवन में रख दो। नहीं नहीं बस यहीं पे देखो। अच्छा बस यहीं पे रखना। पटारी रोटी के अलावा भी काम आती है फिर। पटारी रोटी मेरा तो ये बन गया, हमें सुबह यही खाना है। चलो अब ये सुबह खुलेगा, सुबह ये भी दिखाऊंगी मैं। जी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। उम्मीद करते हैं आपको आज का व्लॉग हमारा पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। फ़ियमान अल्लाह।